डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 1 जुलाई 2019, एक नया महीने की शुरुआत है और एपिसोड संख्या है हमारी 338। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए। ये वेबसाइट्स हैं ssccgilpinnacle.com और baljeethaka.com। इन पर रोज सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का ये वीडियो हिंदी मीडियम में आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है। शुरुआत करते हैं, यहाँ देखिए ये प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? नाम है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। और दूसरा प्रश्न है कि 2019 के लिए मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? नाम है प्रिया सेराओ। चलिए आज का पहला प्रश्न देखो, मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ये हमारा प्रश्न एक है और आंसर है इसका पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य को। आंसर यहाँ पर हमारा डी होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य को मणिपुर का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वहां पर मणिपुर की जो राज्यपाल हैं, एक फीमेल राज्यपाल है वहां पर, डॉक्टर नजमा हब्दुल्ला, उनकी गैर मौजूदगी में पद्मनाभ बालकृष्ण जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। वो कुछ दिनों के लिए अवकाश पर हैं, डॉक्टर नजमा हब्दुल्ला। तो आइए मैं इससे संबंधित आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने यहाँ पर किस राज्य की बात की है? हमने यहाँ पर बात की है मणिपुर की। आप मुझे मणिपुर की जो राजधानी है, ओके, मणिपुर की राजधानी और साथ ही साथ मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में होंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एसएससी सीजीएल टीयर 1 में अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो जॉब अश्योर प्रोग्राम है, जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डे वाइज प्रोग्राम है, वो स्टार्ट हो चुका है। आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें ताकि टीयर 2 जो है उसमें आपका जो स्कोर है 360 अंकों से ज्यादा आए। इसमें आपको डेली बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से क्या पढ़ना है, कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सा टेस्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो भेजी जाती हैं। अगर आप पूरा जॉब अश्योर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल अंग्रेजी का या मैथ का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको एडवाइजेबल ये है कि आप हमारा ऑनलाइन कोचिंग कोर्स या फिर हार्ड ड्राइव कोर्स ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोचिंग कोर्स में 2019-2020 दोनों कवर्ड है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सब कुछ कवर्ड है। हार्ड ड्राइव कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास इंटरनेट की दिक्कत है, वो भी हमारा 2019 और 2020 के लिए पूरा कवरेज देंगे उनको, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के लिए। ये नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप टेस्ट सीरीज विद वीडियो विदाउट। चलिए दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं हम। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे ज्यादा कम है? ये सबसे ज्यादा कम है मेघालय में। आंसर यहाँ पर सी होगा। सरकार ने बेरोजगारी से संबंधित वर्ष 2017-18 के किए आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण जो है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स है, उसके आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और इनके अनुसार देश में नागालैंड में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे अधिक है 21.4%, और वहीं मेघालय में जो बेरोजगारी दर है सबसे कम है। तो आंसर यहां पर मेघालय, मेघालय में सिर्फ 1.5%। नागालैंड के बाद दूसरा और तीसरा स्थान गोवा और मणिपुर का है और इस सर्वेक्षण की जो शुरुआत है वो सरकार द्वारा 2017 में की गई थी। ये देखो ये सारी रिपोर्ट है। हाईएस्ट रेट कहां पर है? नागालैंड में है। हाईएस्ट कितना है? 21.4। गोवा सेकंड पोजीशन पर 13.9, मणिपुर तीसरी पोजीशन पर 11.6। लेकिन अगर हम पुरुषों में सबसे कम की बात करते हैं तो मेघालय में केवल 1.3%, सिक्किम में 2.6 और छत्तीसगढ़ में 3.3। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसको चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए 5 आई विजन को रेखांकित किया है? 5 आई, ओके, 5 आई विजन इसको कहा जा रहा है।
तो प्रश्न तीन के लिए उत्तर है हमारा डिजिटल प्रौद्योगिकी। आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पर हमारा सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए अपनी 5 आई विजन को रेखांकित किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने समावेश, स्वदेशीकरण, नवाचार, निवेश और बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर काफी ज्यादा जोर दिया है। ये था हमारा प्रश्न तीन। मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूं। ये देखिए G20 ओसाका समिट, और यहां पर आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। जापान के G20 का हाल ही में समापन हुआ और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने व्यापार मुद्दों को हल करने के लिए काफी सारी जो है उनकी बातचीत वगैरह हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न जो है एक दिवस से संबंधित, भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये हमारा प्रश्न चार है। अंग्रेजी में नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये भारत कब मनाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आंसर होगा 1 जुलाई। आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर यहाँ पर सी है, 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिदान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। और 1 जुलाई को न सिर्फ उनका जन्म दिवस है बल्कि उनकी पुण्यतिथि भी इसी दिन है। यह दिन पूरे चिकित्सा पेशे को श्रद्धांजलि देता है, उनको समर्पित है और हमारे जीवन में डॉक्टरों के का जो मूल है उसके ऊपर भी प्रकाश डालता है। साल 1991 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की स्थापना की गई थी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जो है इनको भारत रत्न भी मिला 4 फरवरी 1961 को। चलिए अगले प्रश्न पर चलो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक 5 साल की विजन योजना इक्विप जारी की है। इसमें आपको बताना है कि इक्विप जो है ये इसमें आई जो है इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 5। आंसर है यहाँ पर इंक्लूजन। आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर यहाँ पर डी है, इंक्लूजन। इंक्लूजन राइट आंसर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम जो है, इक्विप की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, इसकी एक 5 वर्षीय दृष्टि योजना को जारी किया है। वरिष्ठ शिक्षाविदों, प्रशासकों और उद्योगपतियों द्वारा चुने गए विशेषज्ञ समूह ने 50 से अधिक पहल का सुझाव दिया है जो उच्च शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं आपको इससे संबंधित एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए ये वो तस्वीर है। आगे आइए अगले प्रश्न पर। हम प्रश्न 6 पर हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है? आंसर है यहाँ पर INS तरकश। ये हमारा आंसर है, आंसर सी है। भारतीय नौसैनिक जहाज तरकश पश्चिमी बेड़े प्रवासी तैनाती कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में मिस्र की 3 दिवसीय यात्रा पर अलेक्जेंड्रिया पहुंचा है। और अलेक्जेंड्रिया जो है ये इजिप्ट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और यात्रा के दौरान दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इजिप्ट की नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत की योजना है। वर्तमान यात्रा भारत और इजिप्ट के बीच दोस्ती की मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल देशों के साथ भारत की शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करती है। अब मैं आपको दिखाती हूं इजिप्ट कहाँ है, क्योंकि इजिप्ट में ही लोकेटेड अलेक्जेंड्रिया। अगर आप अफ्रीका देखते हैं तो ये जो कंट्री है ये इजिप्ट है। यहाँ पर राजधानी कायरो है, करेंसी यहाँ पर इजिप्शियन पाउंड। अगला प्रश्न देखो। प्रसिद्ध खिलाड़ी श्याम सुंदर मित्रा का निधन हो गया है, वो कौन से खेल से संबंधित थे? वो संबंधित थे क्रिकेट से। आंसर यहाँ पर डी होगा, क्रिकेट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हियर। ओके, बंगाल के पूर्व क्रिकेटर हैं श्याम सुंदर मित्रा, इनका निधन हो गया है। वह कितने साल के थे? आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये 82 साल के थे और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में बंगाल की कप्तानी भी की थी। ये थी जानकारी इनके बारे में। आइए अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा गया है कि किस परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक
उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर है यहाँ पर भारत नेट। ओके, भारत नेट परियोजना के पहले चरण में सरकार ने 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा और परियोजना का जो दूसरा चरण कार्यान्वयन के अधीन है और मार्च 2020 तक कुल 2,00,000 ग्राम पंचायतों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ देखिए इससे संबंधित तस्वीर। अगला प्रश्न देखो, भारत और जापान के किन शहरों ने सहयोग व भागीदारी के आशय पत्र का आदान प्रदान किया है, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर होगा यहाँ पर कोबे और अहमदाबाद, आंसर सी है। जापान के कोबे शहर और अहमदाबाद के अधिकारियों ने दोनों शहरों के बीच सहयोग व भागीदारी के आश्रय पत्र का आदान प्रदान किया है। G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अधिकारियों ने इस संबंध में एक दूसरे से आश्रय पत्र साझा किया। कोबे होगो की राजधानी है, ओके, और भारतीय प्रधानमंत्री ने कोबे में बुलेट ट्रेन संयंत्र का भी दौरा किया था। भारत जापान की मदद से मुंबई और अहमदाबाद के बीच अपनी पहली बुलेट ट्रेन जो है वो बना रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आप इससे संबंधित एक तस्वीर देख सकते हैं। अब मैं आपको ले आई हूँ अंतिम प्रश्न पर। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के राजमार्गों के निर्माण और प्रबंधन के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या होगा, ये राजस्थान के साथ किए गए हैं, आंसर यहाँ पर सी होगा। भारत सरकार, राजस्थान सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय परियोजना के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजमार्गों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य की क्षमता को बढ़ाना, राजस्थान के चुनिंदा राजमार्गों पर यातायात के प्रवाह को बेहतर बनाना है। ओके, और विश्व बैंक से सहायता मिलने के बाद इस परियोजना से राज्य में 766 किलोमीटर लंबे राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण, सुधार और रखरखाव में मदद मिलेगी। यह था हमारा प्रश्न 10। हमने बात की राजस्थान की, तो राजस्थान अगर आप देखें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पर राजधानी जयपुर है, भारत के पश्चिमी हिस्से में लोकेटेड है राजस्थान। गवर्नर यहाँ कल्याण सिंह है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, 200 सीटों वाला, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। अब हम आ गए हैं समरी कीवर्ड्स पर। एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ मणिपुर मिला है पद्मनाभा बालकृष्णाचार्य को। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मेघालय में। 5i विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। एक्विप का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। INS जो है तरकश वो पहुंचा अलेक्जेंड्रिया। श्याम सुंदर मित्र एक क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा भारत नेट स्कीम के तहत। कोबे और अहमदाबाद के बीच में MOU साइन हुआ है, ये सिस्टर सिटी पार्टनरशिप है। वर्ल्ड बैंक 250 मिलियन डॉलर्स का ऋण देगा राजस्थान को ताकि वहां पर राजमार्गों की हालत में बेहतरी लाई जा सके। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। यहाँ पूछा गया है भारत में राज्य डॉक्टर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय राज्य में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे कम है। आपको इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देने हैं, कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर देने हैं। और साथ में मुझे ये भी बताएं कि पोलावरम बहुउद्देश्य परियोजना के तहत कौन सी नदी के पार एक बांध बनाया जाएगा। इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं आप। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, जितना संभव हो सके वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारा SSC CGL Tier 2 Job Assured प्रोग्राम भी ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।